डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, टेंथ क्लास में अभी हम लोग एक केमिस्ट्री के पार्ट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर कोई ऐसा प्राकृतिक प्राकृतिक पदार्थ जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम क्या है। इससे भी एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आप इमली खाते हो, इमली तो पता है खट्टा है, और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको अम्ल की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन दोस्तों, यहां से ऐसे सवाल नहीं आते। सवाल ऐसे आते हैं कि आप नींबू खाते हो, नींबू का रस पीते हो, वो आपको खट्टा लगता है, आप बताओ उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम क्या है। ये तो हम लोग समझते हैं कि वो चूंकि अम्ल है क्योंकि वो खट्टा है। अब इसमें ये सवाल पूछता है कि आखिर उसमें कौन सा अम्ल है। आप इमली खाते हो, आप संतरे का जूस पीते हो, संतरा में कौन सा, आप अमरूद खाते हो, आप टमाटर खाते हो, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कुल मिलाकर आज हम लोग वही टॉपिक्स पे बात करेंगे। और दोस्त, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल में आता है कि अगर मान लिया कि चींटी आपको काटती है तो दर्द जलन महसूस होता है, उसमें भी अम्ल पाया जाता है, ध्यान से समझ जाना। इसलिए चलिए अब हम लोग एक सारणी बनाते हैं टॉपिक के तौर पे। तो अब टॉपिक बनाएंगे सारणी, सारणी टॉपिक बनाएंगे और सारणी में एक तरफ लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत, उसके नीचे प्राकृतिक स्रोत, और एक तरफ लिखेंगे अम्ल। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत और एक तरफ अम्ल लिखेंगे। अब एक तरफ जो प्राकृतिक स्रोत लिखे हैं उसमें हम लोग तरह तरह की चीजों को हम लोग ऐड करके चले जाएंगे। जैसे प्राकृतिक स्रोत में पहला में लिखा जाए, फर्स्ट पॉइंट में सिरका। अब ये सिरका क्या है? तो सिरका का उपयोग हम लोग एक्चुअली अचार उचार में डालने के लिए करते हैं ताकि अचार जो है ज्यादा स्वादिष्ट हो, ठीक है? तो इसका उपयोग करते हैं सिरका का। तो प्राकृतिक स्रोत है सिरका और इसमें जो अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा एसिटिक अम्ल इसका नाम है, एसिटिक अम्ल। ये सवाल आता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बोलेंगे एसिटिक अम्ल। ये पहला है। वैसे ही हम लोग नंबरिंग कर करके बहुत सारे लिखेंगे और उनको याद करना बहुत जरूरी है। याद रखिए सिरका का मतलब क्या, सिरका का उपयोग करते हैं कोई भी अचार, आम का, आंवला का, ये सब जब लगाया जाता है तो सिरका की थोड़ी सी मात्रा उस अचार में डाला जाता है ताकि अचार जो है ज्यादा स्वादिष्ट हो, ज्यादा उसमें स्वाद आए, तो इसका उपयोग करते हैं। और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ये फर्स्ट में लिखे हैं। और दूसरा लिखा जाए, सेकेंड, संतरे। संतरे, संतरे यानी कि नारंगी, इसमें हम लोग को पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। याद रखिएगा कौन सा अम्ल भाई, तो सिट्रिक अम्ल। किसमें? तो संतरे में, जो हम लोग फल के रूप में संतरा, नारंगी बोलते हैं, उसमें याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर लिखा जाए थर्ड, नंबरिंग कर करके आगे लिखते रहेंगे, थर्ड में है इमली। इमली में कौन सा, तो टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। याद रखना इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल, इसका नाम ही है भाई। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अजीबोगरीब नाम है इसका, लेकिन ये नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या उल्टा सवाल पूछा जा सकता है कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो हम बोलेंगे इमली में, ठीक है? तो उसी तरीके से चौथा लिखा जाए, फोर्थ नंबर, फिर लिखा जाए टमाटर। चौथे नंबर में है टमाटर और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक,
ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखिएगा टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर लिखा जाए नेक्स्ट नंबर देकर दही। नेक्स्ट में यानी नंबर देख लीजिएगा कितना नंबर होता है, दही। दही में लिखिएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक कैसे लिखेंगे भाई, लैक्टिक। दही में लैक्टिक अम्ल, दही हो गया। फिर लिखा जाए नींबू। नींबू, नींबू, नींबू में भी लिखा जाए सिट्रिक अम्ल। ध्यान दो अभी हम लोग संतरे में भी लिखे हैं सिट्रिक अम्ल, तो याद रखना नींबू में भी सिट्रिक और संतरे में भी सिट्रिक, तो दोनों में ही हम लोगों को सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये बिल्कुल याद रखना, चाहे संतरा आएगा क्वेश्चन में या नींबू आएगा, दोनों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो लिखा जाए कौन, क्या लिख रहे थे हम लोग, नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल। फिर लिखा जाए नेक्स्ट चींटी का डंक। चींटी का डंक यानी कि जो चींटी हम लोगों को डंक करती है, यानी कि चींटी जब काटती है तो जलन महसूस होता है, तो याद रखना उसमें पाया जाता है चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। फिर लिखना बिच्छू के डंक। बिच्छू के डंक यानी कि जब बिच्छ मारता है, बिच्छू के डंक, उसमें भी लिखा जाए मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। फिर लिखा जाए नेक्स्ट नेटल का डंक। नेटल, अब ये नेटल क्या है तो दोस्त, नेटल का एक पौधा है, ठीक है। नेटल एक तरह का पौधा है जिसका कांटा अगर आपको चुभ जाए तो ठीक वैसा ही जलन महसूस होगा जिस तरह से बिच्छू का डंक। जैसे बिच्छू का डंक हम लोगों को तो चढ़ने लगता है पूरे शरीर में, पूरा एकदम लगता है कि दर्द से फटने लगता है, जलन इतना देता है कि हम लोग पूरा चिल्लाने उठते हैं, सेम वैसे ही एक पौधा है जिसको नाम है नेटल का पौधा। हम लोग कैसे भी आम का पौधा तो पीपल का पौधा, पीपल का पेड़ ऐसे नाम दे देते हैं ना, वैसे ही एक पौधा है जिसका नाम क्या है, नेटल। नाम ही है उसका नेटल, तो नेटल का एक पौधा है जिसका अगर कांटा आपको गलती से चुभ जाए तो ठीक वैसे ही महसूस होगा जिस तरह से बिच्छू का डंक, चींटी का डंक। इसलिए याद रखना नेटल के डंक में भी क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। तो एक बात आप समझ लो, किसी का भी डंक अगर लिखा रह जाना आप मेथेनोइक अम्ल मारेंगे, मेथेनोइक अम्ल ही बोलेंगे, ये 99% केस में सही हो जाएगा। यानी डंक क्वेश्चन में डंक मिल जाएगा, चाहे चींटी का डंक रहे, चाहे सांप का डंक रहे, चाहे बिच्छू का डंक रहे, चाहे नेटल का डंक रहे, चाहे और भी किसी चीज का डंक रहे। डंक का मतलब मारना, डंक यानी जलन महसूस होना, तो उसमें कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। बाकी याद रखना सिरका में एसिटिक, नींबू में साइट्रिक, इमली में टाइट्रिक, ऑक्जेलिक टमाटर में, अच्छा अमरूद में भी लिख लेना एक, अमरूद में तो अमरूद का भी आंसर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, यानी कि टमाटर में भी ऑक्जेलिक और अमरूद में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो कुल मिलाकर जितना लिखवाए हैं अब इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि अंगूर में कौन सा अम्ल, तो बहुत तरह का सेव में कौन सा अम्ल, तो सब में अम्ल, तो उतना हम लोगों को जरूरी नहीं है, कुछ सेलेक्टेड है जिसको हम लोगों को याद करना चाहिए, ठीक है। अब उतना नहीं, अब अगर हम लोग पढ़ने बैठेंगे तब तो लगता है पूरा एकदम लिस्ट दो चार कॉपी इसमें भरी जाएगा। हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना, हम लोगों को जितना पढ़ना है कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये था सारणी कि हम लोगों को किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फिलहाल हम लोग अब उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जिसमें एनसीईआरटी के बुक से चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को करने के लिए, चलिए अब उन क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो प्रश्न के तौर पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग लिखकर पहले क्वेश्चंस लिखेंगे फिर उसका आंसर करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का पहला क्वेश्चन लिखा जाए, तो लिखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास 2 मिलियन, आपके पास
दो विलयन ए एवं बी है, ए एवं बी है, ए एवं बी है, दो विलयन दिया हुआ है कैपिटल और कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है, दो विलयन कैपिटल ए और कैपिटल बी है, पूर्ण विराम, विलयन ए के पीएच का मान, विलयन ए के पीएच का मान 6 है, 6 है, एवं एवं विलयन बी के, एवं विलयन बी के पीएच का मान, पीएच का मान 8 है, पूर्ण विराम, 8 है, पूर्ण विराम, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, क्वेश्चन मार्क्स यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय, इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय। चलिए अभी जो क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम आपको पीएच स्केल के बारे में पढ़ाए हुए हैं कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है मेरे दोस्त जिसपे नंबरिंग हमेशा 0 से 14 तक होता है, ठीक है। पीएच स्केल स्केल पर नंबरिंग कहां से कहां होता है, 0 से 14, और उसका बीच वाला भाग होता है 7। याद रखना 7 से 14 वाला को हम लोग कहते हैं क्षार, 7 से 14 वाला को क्या कहते हैं, क्षार, और 0 से लेकर 7 तक के बोलते हैं अम्ल, 0 से 7 तक के बोला जाता है अम्ल। तो यहां पे बोल रहा है कि दो गो विलयन है, एगो के नाम ए है और दूसरा का नाम बी है, और जब ए है दोस्त तो ए वाला विलयन का हम लोगों को दिया है कि इसका जो पीएच मान है ना वो 6 है, और बी वाला का पीएच मान जो है वो 8 है। तो बताइए कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो यहां से हमको देखने से नहीं पता चल रहा है कि विलयन ए जो है अम्ल है, क्यों, क्योंकि इसका जो मान है वो कितना से कितना के बीच में, 0 से 7 के बीच में रह रहा है, और बी जो है क्षार है। क्यों क्षार है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में है। अब एक हाइड्रोजन आयन बोला है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें अधिक होगी। देखिए अब हाइड्रोजन आयन के बारे में सोचना चाहिए कि इसमें जो है अम्ल वाला में हाइड्रोजन आयन H+ इसको बोलते हैं, पढ़ते कोचे हैं हाइड्रोजन आयन, लिखते कैसे हैं H+, ठीक है। तो H+ आयन जो है अम्ल में अधिक पाया जाता है, उल्टा होता है, जैसे अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो होता है अम्ल में ज्यादा होता है, क्षार में कम होता है। तो हम लोगों का क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि दोनों विलयन में कौन अम्ल है और कौन क्षार है ये बताना है। तो इसका तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है अम्ल है और बी जो है क्षार है। फिर पूछा जा रहा था कि किसमें हाइड्रोजन आयन अधिक है, तो हम लोग सीखे ना कि अम्ल में अधिक होता है और क्षार में कम होता है। तो ए वाला ना अम्ल है तो लिखेंगे कि विलयन ए जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन उसमें पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा है विलयन ए में। तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, अभी तो हम लोग समझ रहे थे। लिखा जाए इसका आंसर, विलयन ए का पीएच मान 6 है, विलयन ए का पीएच मान 6 है, अतः यह अम्लीय है तथा तथा
इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। पूर्ण विराम। बिलियन बी के पीएच मान, बिलियन बी के पीएच मान 8 है, अतः यह क्षारकीय तथा इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है। तो जी हाँ, वही हम अभी लिखवाएं जो आपको समझाएं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न में भी हम लोग इन किए हुए हैं, तो इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो 4 है। अभी हम लोग एक प्रश्न को किए हैं, बाकी की जो 3 प्रश्न है उसको अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और उत्तर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।